सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आपके पास कुछ खास बात साधर जैन करेंगे। आज बात खास आपसे, सातवें तीर्थंकर का मोक्ष के लड़क, आठवें तीर्थंकर ज्ञान के लड़क, कहते हैं ज्ञान ज्ञान और फिर ऊपर भगवान। आज से पावन दिन साधर जैन करते हैं की शुरुआत। चल रहा है 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष, हमारे जैन शासन जिनका चल रहा है महावीर स्वामी का दृश्य देख रहे हैं आप, उन्हीं की निर्वाण भूमि पावापुरी गए। कम से कम इस समय तो कम से कम पावापुरी जाने का अपना समय निकालना चाहिए। पता करते हैं, कोई ज्यादा लोग नहीं आ रहे, हर साल की तरह कुछ आते हैं, चंद घंटे रहते हैं, चले जाते हैं। ये पावापुरी दृश्य दिखा रहे हैं आपको, चैनल महालक्ष्मी टीम ने यहां का दौरा किया था, जानकारी ली थी, पूरा इतिहास जाना था। एक शायद यही ऐसा तीर्थ है जहां पर चरण मिल जाएंगे कोई महावीर स्वामी के, इस पावापुरी के इस परिसर के अंदर आपको प्रतिमा नहीं मिलेगी। अपने भाई भाई लड़ लिए और अदालत ने निर्णय दिया कि यहां पर चरण स्थापित। सबसे पहले हम बाई तरफ सुधर्म सागर जी का आपको जानकारी दे दें, बीच में है महावीर स्वामी चरण और दाई तरफ है गौतम गणधर स्वामी के चरण इस धरा के अंदर। ये आपको इसलिए दिखाइए, सोच रहे हैं बेफालतू बेवजह क्यों दिखाई, क्योंकि जब राष्ट्रपति भवन में इसका दौरा किया तो इसकी याद आई थी। यह दृश्य आपको इसलिए दिखा रहे हैं पावापुरी, जहां से हमारे जिनका चिन्ह शासन चल रहा है वर्तमान, जिनका पूरा देश 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहा है, वही महावीर स्वामी जिनके बारे में आपको दो दिन पहले खबर दी थी ना हमने, कि जिनके बारे में जल्दी खबर मिलने वाली है, खुशखबरी जिसका गजट निकल चुका है कि उनके ऊपर एक सिक्का सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जारी कर रही है और उम्मीद ये करते हैं कि चुनावी घोषणा से पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय उसको जारी भी कर दें, क्योंकि उसके बारे में सूचना वहां पर जहां बनते हैं ना कॉइन, उस एसएमपी सेल कंपनी तक पहुंचा दी गई। हाँ, क्यों बात करी हमने, राष्ट्रपति भवन का दौरा करते हैं ना आप, अफसोस होता है वहां पर जो आप राष्ट्रपति को भेंट करते हैं ना, ऐसी चीजों का एक पूरा वहां पर गैलरी लगी हुई है जिसके दृश्य देख रहे हैं। इसमें नजर पड़ गई कि पावापुरी तीर्थ का, जब यह दृश्य देखा कि यहां पर पावापुरी दौरा दी गई, जब भेंट दी गई अब्दुल कलाम राष्ट्रपति महोदय को, तब की यहां पर एक लगी थी पट्टी और उसके देकर गदगद हुए, बहुत कुछ छाड़ा, लेकिन जैन समाज का हमें इनमें हजारों के अंदर कहीं कुछ नहीं मिला। यानी ऐसा नहीं है दिया नहीं, हमारे द्वारा भी दिया गया, बहुत संस्थाओं ने दिए, इसे स्पष्ट लगता है कि कुछ चुन चुन कर ही यहां पर रखे गए हैं और उनमें से एक को सौभाग्य मिला, इन पर अन्य कहोगी यहां पर सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। खैर क्या है ये आप जान पाएंगे, पर इतना दिखाया है राष्ट्रपति भवन में पावापुरी की याद इस 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में केवल दिखी तो वही दिखी। कर्नाटक के बाद खुशखबर आई है जैन समाज के लिए उसी के पड़ोस से तमिलनाडु से, जहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी मंगलवार को, चित्र दिखा रहे हैं आपको ये। उसके बाद बुधवार को शेखर बाबू जी जो है ना पर हिंदू धर्मांतर एंडोमेंट के मिनिस्टर जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करी, बता दिया कि उनके इस एक्ट के अंतर्गत 16 जैन मंदिर आते हैं। आपको ये बता दें तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां सैकड़ों जैन मंदिरों को बदला गया है और मद्रास टू मदुरई के बीच में हजारों साधुओं और श्रमणों की शत शाहों की कहते हैं निर्मम हत्याएं हुई थी, 8वीं 9वीं सदी की बात थी, पर अब वर्तमान की बात कर रहे हैं। कहते हैं इतिहास कभी कब बदलता है, कड़ोलता है। अब सरकार ने ये घोषणा करी है कि 16 जैन मंदिरों को नवीकरण के लिए 5 करोड़ का फंड रखा है और दूसरी उनका सबका जीर्णोद्धार कराया जाएगा इस फंड से। खास बात और स्टॉलिन ने साफ घोषणा कर दी है कि किसी भी मंदिर के से स्ट्रक्चर से, उसकी संस्कृति से, उसकी विरासत से, उसकी पहचान से बिल्कुल रद्दो बदल गया, उसी रूप में रखा जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है। आज वर्तमान में देखते हैं हम उसका रूप बदल देते हैं, उसके इतिहास को, संस्कृति को, विरासत को, पुरातन को खत्म कर देते हैं। तो यहां पर सरकार ने कहा है, तमिलनाडु सरकार ने, कि हम उसकी विरासत को, संस्कृति को, पहचान को, पुरातन को छेड़खाड़ नहीं करेंगे, जीर्णोद्धार उसी रूप में करेंगे, है ना अच्छी बात। राजपाल यादव फिल्म कलाकार, वह भी अब ऐसे बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हैं और कई फिल्म कलाकार भाई हैं जिन्होंने अपने को मांसाहार से शाकाहार बदल दिया है। और पता है राजपाल जी एक बार विद्यासागर जी बस गए थे, इसलिए वो क्षण याद आ रहे हैं। तब आचार्य ने स्पेशल उनसे कहा था, क्योंकि कलाकारी में जितना हंसाते हैं अपनी बातों से उनको उसी रूप में, यह हमारे गुरुवर की आचार्य बहुत खास बात थी कि जो जिस रूप में आता है उसको उसी रूप में उसी तरीके से जवाब देते हैं। इनको उन्होंने बताया, स्पष्ट करो आचार्य जी ने, तो पता है आपको वाला क्या कहा था उन्होंने, आधा भोजन ले दुगना पानी पी
और चौथाई नहीं चार गुना हंसी, समझ लो 100 वर्ष जी। यह जब गुरुवर की बात सुनते लगे ना आप, ये किससे कही थी? इन्हीं से राजपाल यादव जब सामने बैठे तब इसी अंदाज में उन्होंने मुस्कुराते कहा, गजब हो गया। और उन्होंने कहा, मैंने उनकी इसकी संत की चर्या को देखकर मैंने उसी दिन से मांसाहार छोड़ दिया। सुनेंगे आप, सुन लीजिए जरा भाषण, आपको आज फिर सुना देते हैं। अच्छा, सही वेजिटेरियन थे या? नहीं, लेकिन अब लगभग 15 साल से ऊपर होने, 15 साल से मांसाहार। परम पूज्य विद्यासागर जी हैं कि आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी। भरत सभा सब जी, वाह क्या बात है। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीऊ, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीऊ, चुगुना श्रम, तिगुना श्रम और चौगुनी हंसी। वर्ष सवा सौ जी ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम कीजिए, चौगुना तिगुना श्रम, वर्ष सवा सौ जी, ये मेरे लिए जीवन का भी। हाँ तो क्या कहा था आपसे, अपने जन्मदिन को भूल जाइएगा, मैरिज एनिवर्सरी को भूल जाइएगा और सारी तारीख को भूल जाइएगा, पर तीर्थंकर और कल्याणकों को हृदय में याद करके रखिएगा। आज दो कल्याणक है, दो तीर्थंकर हुए और वो भी बैक टू बैक, सातवें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक और आठवें का ज्ञान। पहले हम मोक्ष कल्याणक की बात करते हैं, सुपार्श्वनाथ भगवान जी का। इसी कूट से आज के दिन 500 महुयात सिद्ध लगे थे और इसी प्रभास कूट से कहते हैं इसके काल में 49 करोड़ 84,72,742 मुनिराज और सिद्धालय गए हैं। और कहते हैं आज की तारीख में जो निर्मल भावों से वंदना करता है उसको 32 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। 108 वंदना कीजिएगा जब अगली बार जाए निर्मल भाव से ध्यान हटाकर, तो 32 करोड़ प्रोषद उपवास का आपको फल मिलता है। एक खास बात जुड़ी है, जो खास बात बहुत है, पहले आपको बता दें यहां की जो मिट्टी देख रहे हैं ये अपने आप नहीं निकल रही, लोग इस तरह से निकाल रहे हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं। चैनल मारी ने इसको कैद किया, आपके लिए दिखा रहे हैं जो चित्र आप देख रहे हैं। यहां से लोग मिट्टी ले जाते हैं, कहते हैं ये प्रीति रीति कहां से चली समझ नहीं आ रहा। 30-40 वर्ष से तो हम लोग ही देख रहे हैं इसको, कि इस तरह से आते हैं पॉलिथीन लिया भरा और कहते हैं, पूछा उनसे कि मकान के निर्माण में किसी और के निर्माण में इसका इस प्रयोग करते हैं। पता चलता है लोग कहते हैं यहां पर कि यह रजा इतनी पावन है, शिखर जी का रज रज पावन है, पर यह कहते खास पावन है कि इसको लगाने से वहां पे वैभव मिलता है, शांति मिलती है, प्रगति मिलती है, जो इस तरह से इस भूमि की इस रज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको उससे पहले विमला स्कूटी तक आपको खुद ही खुद जगह जगह मिल जाएंगे। और आज सातवें तीर्थंकर के बाद आठवें तीर्थंकर है केवल गए चंदा प्रभु का। चंद्रपुरी में जन्म हुआ, सर्वार्थ वन में तप के लिए चल दिए थे, 3 माह के कठोर तप बाद आज के दिन आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही स्वर्ग में पता चलता है स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर को रचना मिलती है, जाओ सम्मोषण चलो, 8.5 योजन विस्तृत सम्मोषण की रचना करता है जिसमें 93 करधर होते हैं जो आपके दिव्य ध्वनि को ओंकार ध्वनि को आगे पहुंचाते हैं पूर्वाचार्यों के पास और फिर हम तक पहुंचती है वह दिव्य ध्वनि। आपका केवली काल 1 लाख पूर्व 24 पूर्वांग में 3 माह कम था। ऐसे चंदा प्रभु का केवल कहने लगे हैं। और ध्यान रखिएगा यह बैसाख आएगी 2 महीने बाद, आज फागुन और चैत्र, इनमें 5-5 मोक्ष के लड़क हैं और बैसाख में 3, यानी 3 महीने के अंदर आदि तीर्थंकर के मोक्ष के लड़क आते हैं, जबकि कार्तिक अमावस से माघ चतुर्थी के बीच में 79 दिन में कोई तीर्थंकर मोक्ष नहीं जाते हैं। जहां 3 महीने वैसे होते हैं और या 3 महीने ऐसे होते हैं ना, कुछ बात फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।